आज का जो प्रश्न है वो दिल्ली के टीचर्स वाला एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये पीडीएफ के द्वारा इन प्रश्न को भेजा था और डिमांड किया था कि आप इन्हें बना दीजिए। तो इसी का सीरीज चल रहा है, पार्ट वन और पार्ट टू मैं डाल चुका हूँ, पार्ट थ्री डाल रहा हूँ। तो ये गणित का सीरीज चल रहा है, इसको आप भी देखें। आप चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ज़रूरी है। देखिए ये प्रश्न है 46 नंबर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर इजकल टू 5 XY, तो यक्स बटे वाई बराबर क्या? तो यक्स बटे वाई का मान आपको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको किसी अज्ञात संख्या से आप या तो गुणा कीजिए या भाग दीजिए, जिससे कि आपको दिया हुआ जो पद है ये कोई ना कोई आपका यक्स बाई वाई के रूप में आ जाए। यही इसका ट्रिक है, क्योंकि जब तक आप इसको यक्स बाई वाई नहीं बनाएंगे तब तक आप यक्स बाई वाई का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए वाई स्क्वायर से मैं दोनों ओर इसको भाग देता हूँ। देखिए वाई स्क्वायर से भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी एक्स वाई के रूप में ये आ रहा है। देखिए यहाँ भी यदि वाई स्क्वायर से भाग दे देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, एक्स बाई वाई बच जाएगा, तभी आपका ये मान निकल सकता है। तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से दोनों ओर भाग दे देंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आप गुना करेंगे या भाग देंगे तो दोनों ओर देना होगा, बराबर के बाएँ साइड में भी बराबर के दाहिने साइड में भी। देखिए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 5 XY बाई वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर से हमने प्रत्येक पद को, प्रत्येक टर्म को गुना कर दिया। अब देखिए वाई स्क्वायर यहाँ तो खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ वाई और वाई स्क्वायर खत्म होने के बाद एक वाई यहाँ पर बच जाएगा, ये आप ध्यान देंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर है, ऊपर में केवल वाई है। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस, देखिए ये यहाँ बचा 5 X/Y, क्या बचा यहाँ पर 5 X/Y। अच्छा, इसको एक बार और नोट कर देते हैं, नहीं तो आपको समझ में परेशानी हो जाएगी। यहाँ केवल 6 बचा, प्लस 6 बराबर 5 X/Y। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, देखिए ये 5 X/Y को आप इस पार लेके चले, X/Y को आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। देखिए इसको हम कर देते हैं, तो माइनस में आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक्स बटे वाई और दोनों पर एक साथ स्क्वायर दे दिए, माइनस 5 X/Y ये प्लस 6, तो बराबर के दाहिने साइड में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 यहाँ पर लिख देंगे आप। अब देखिए इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड यानी फैक्टराइज करने के लिए आपको परेशानी है। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स बटे वाई को आप कुछ मान लेंगे, ये मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लिया कि एक्स बटे वाई बराबर ये, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ये स्क्वायर माइनस 5 ये प्लस 6 बराबर 0। देखिए आप इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं आराम से। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए 6, देखिए 6 ये स्क्वायर, तो 6 को आप दो जगह तोड़िए, 3 × 2 = 6, तो 3 जोड़ 2 = 5 हो जाता है। तो देखिए इसका मैं करता हूँ, ये स्क्वायर माइनस 3 ये माइनस 2 ये, 3 × 2 = 6 हो गया, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो -5 भी हो जाएगा, क्योंकि -3 और -2 हमने लिया है, +6 = 0। आप यहाँ से आप ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा ये -3, और यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी बच जाएगा ये -2 × 6, यहाँ भी 3 बच जाएगा = 0। अब देखिए ये -3, देखिए आप दो पद में बट गया ना ये, तो इस पहला पद में ये -3, दूसरा पद में भी ये -3 है, तो ये -3 को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो यहाँ बच गया ये और यहाँ बच गया -2, तो चलिए = 0 हो गया। अब देखिए या देखिए ये -3 × ये -2 = 0, तो इनमें से कोई एक पद जरूर 0 है, अगर 0 नहीं होता तो ये = 0 नहीं होता। या ये -3 0 है या ये -2 0 है, जब तक कोई एक टर्म आपका 0 नहीं होगा तब तक = 0 हो ही नहीं सकता, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो या ये -3 = 0, ये = 3। अच्छा, या ये -2 = 0 और ये = 2, तो ये का मान कितना निकल गया, 2 या 3। देखिए ये उत्तर आपका मिल गया। चलिए आप 47 नंबर का प्रश्न में हम चलते हैं। देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, 9/4 = -3/2 का मान क्या है? तो ये तो बहुत आसान है, देखिए कैसे निकलते हैं, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4। देखिए दोनों किसी संख्या का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, तो इसको हम 3/2 करके, इसको हम 3/2 करके इस पर एक पावर दे देते हैं, तो 3 × 9 = 2 × 4 हो गया। आप जो ये ऊपर में बच गया इसको आप एक
बड़ी ब्रैकेट का चिन्ह डाल करके या मझली ब्रैकेट का चिन्ह डाल करके -3/2 को आप यहाँ रख दीजिए। अच्छा, एक चीज़ को आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, जब भी पावर पर पावर होता है तो दोनों पावर गुना होता है। तो देखिए यहाँ हम समझाते हैं आपको, यही समझा देते हैं। देखिए 2 1 पावर है गुना -3/2, ये भी पावर है, दोनों गुना हो जाएगा, तो ये 2 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, -3 बच जाएगा। चलिए इसको हम घेर देते हैं, तो यहाँ बच गया 3/2 और उस पर पावर बच गया -3। अच्छा, आप एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, जब भी पावर माइनस में रहे और इसको प्लस बनाना हो तो अंश को हर और हर को अंश कर दीजिए, पावर प्लस हो जाएगा। इसका डिटेल से अलग में एक वीडियो मेरा बना हुआ है, आप देख लेंगे, अभी यहाँ पर बताना इसको संभव नहीं है, इतना हिसाब लंबा हो जाएगा। इसको आप कर दीजिए 2/3 और ये पावर हो गया कितना, 3, 2 2 4, 4 2 8 और 3 3 9 9 3 27। देखिए 8/27, ये डी नंबर में ऑप्शन मिला, ये भी आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 48 नंबर पर। देखिए 48 नंबर का प्रश्न ये है मेरे पास, बृहत पूर्णांक जो 105 और 315 को विभाजित करता है। देखिए हिसाब तो बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, आगे दूसरा हिसाब में आपको मदद मिलेगी। देखिए बृहत माने बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इन दोनों संख्या को विभाजित कर दी, मतलब क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कौन संख्या है जो 105 और 315 दोनों को विभाजित करेगा? सबसे पहले तो भाई 5 ही कर देगा दोनों को विभाजित, लेकिन 5 हाइएस्ट नहीं है, हाइएस्ट कुछ और हो सकता है, जो हाइएस्ट होगा वो आपको निकालना है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले देखिए चूंकि कंपटीशन का एग्जाम अक्सर आसान ही हिसाब देता है, हार्ड हिसाब नहीं देता है, पहले आप देखिए 105 को 3 बार गुना कीजिए तो 315 हो जाता है। इसका मतलब 105 ही एक ऐसा संख्या है, देखिए यहाँ हम कर देखते हैं 315/105, 105 3 315, इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 105 ही है जो 105 और 315 को विभाजित कर देता है। इसका मतलब इसका HCF हो गया कितना, HCF हो गया 105। अब HCF आप निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप निकाल लेंगे ऐसे करके, 315 यहाँ दे देंगे, 105 यहाँ दे देंगे, तो 105 दूनी 105 का सीधे 3 बार चल जाएगा, 105 3 315, ये हो तो गया 105 ही आपका, ये बाएं साइड वाला HCF में आंसर निकलता है 105। देखिए 105 इसका ऑप्शन में होगा, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है लेकिन ऑप्शन में 105 है। देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, 18,000 रुपये का 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो देखिए पी है यानी मूलधन है 18,000 और समय जो है 2 वर्ष है, वार्षिक है, समय को चक्रवर्ती ब्याज में आप हमेशा यन लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि टी का मतलब होता है समय, टाइम, लेकिन यन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो देखिए यन इसलिए लिखा जाता है कि ये पीरियड की संख्या, हो सकता है समय 1 साल हो लेकिन उसमें 4 पीरियड हो, 3 3 माह पर ब्याज जुड़ता हो, तो 1 साल में 4 पीरियड हो जाता है, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना, वहाँ पर 4 हो जाता है, इसलिए हमेशा यहाँ पर यन लिखेंगे आप यहाँ तो, और 8/15% दिया हुआ है। तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला आप लोग शायद जानते ही होंगे, ये बराबर मिश्र धन होता है P × 1 + 8/100 और पावर में होता है यन। तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये का मतलब समझ जाइए, इसमें मूलधन प्लस ब्याज मिला हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मूलधन है कितना 18,000 और 1 + 8/15 = 100 और यन है 2। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 3 15 5 20 100। चलिए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 18,000 20, यहाँ जुड़ेंगे तो 23/20 हो जाएगा गुना 23/20 गुना 23/20, चूँकि पावर 2 है इसलिए 2 बार इसको डायरेक्ट लिख दिए। चलिए इसको आप काट के आप छोटा कर सकते हैं, देखिए ये दोनों जीरो को यहाँ दोनों जीरो से हम काट दिए। अब देखिए 2 2 4, यहाँ 4 बचा, ये दोनों को मिला के 4 बचा, इस 4 से हम सीधे इसको काट देना है। देखिए 4 4 16, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 4 5 6 20। अब आपको क्या करना है, 45 × 23 × 23 करना है, 45 × 23 और 23 529 होता है। अब इसको आप 45 से गुना कर देंगे, तो देखिए आप गुना कर देंगे, एक ट्रिक मेरा 3 अंक की संख्या का डाला हुआ है, 3 अंक की संख्याओं को 3 अंक की संख्या से कैसे गुना करेंगे, तो वो ट्रिक आप उसका लिंक में दे दूंगा, आप वो ट्रिक देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। तो देखिए आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो 3 अंक है नहीं, 2 ही अंक है, तो भाई आगे एक जीरो डाल के आप उसको 3 अंक बना देंगे, तो आप उस ट्रिक से गुना कर देंगे, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे। चलिए 45 और 529 को आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23,805 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, ये निकला, ये का मतलब मिश्र धन निकला। पहले हमने बता दिया कि मिश्र धन में ब्याज मिला हुआ रहता है, आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज मतलब I बराबर देखिए ये -P, यानी इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है, उससे मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा, तो इसको घटा दीजिए आप, 23,805
माइनस 18,000, पी है 18,000, 30,805 माइनस 18,000 घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 58,005, यानी 5,805 रुपया ये आपका ब्याज निकल गया। तो देखिए 5,805 रुपया यहाँ ऑप्शन बी में है, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल गया। चलिए 50 नंबर में हम चलते हैं। देखिए यदि दो व्यक्ति यक्स और वाई एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू करते हैं, यक्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 3 घंटे के बाद वे कितने किलोमीटर दूर होंगे यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं। देखिए एक उभयनिष्ठ पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट ये मान लेते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से यक्स है ये साइड में चल रहा है, दाहिने साइड में मान लेते हैं चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वाई जो है वो चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये बाईं तरफ मान लेते हैं, तो 3 घंटा दोनों चलेगा, तो कितना दूरी पर होगा 3 घंटा में। देखिए ये कितना चला, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो देखिए चाल है 5 किलोमीटर और समय है 3 घंटा, 5 दिया 15 घंटा, सॉरी 15 किलोमीटर यहाँ हो गया और यहाँ हो गया कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 दिया 12, 12 और 15 इधर 12 किलोमीटर गया, वो इधर 15 किलोमीटर गया, तो दोनों को जोड़ेंगे 12 और 15 कितना 27, देखिए 27 किलोमीटर आपका उत्तर है। आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वाई की दूरी, वाई की दूरी बराबर 4 गुना 3, चाल गुना समय, 4 दिया 12 किलोमीटर, और यक्ष की दूरी यानी यक्ष कितना दूर गया, तो ये 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 5 गुना 3 बराबर 15, 12 और 15 बराबर 27 किलोमीटर दूर पर होगा ये दोनों।